अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद साद बेग है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो लेक्चर चल रहे हैं ऑनलाइन, उसमें हम सेकंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ये इसके ऑलरेडी हम लोग 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, और उसमें आपके पास लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमने बेसिक्स बातें की थी कि होम्योस्टेसिस क्या है और होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स क्या हैं, होम्योस्टेसिस किस बेस पे काम कर रहा होता है, और कुछ बात की थी कि सेल का बिहेवियर क्या होता है रिलेटेड टू दियर एनवायरमेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 है हमारा, और ये बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है जो बेस करता है वो बेस करता है इसके ऊपर, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट के अंदर, प्लांट पे। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट क्या होती है, तो हम यहाँ पे बात करें कि ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट कहाँ होती है और कैसे होती है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि फ्लावरिंग प्लांट बिहेव डिफरेंट इन अ डिफरेंट हैबिटेट अकॉर्डिंग टू दियर एबिलिटी ऑफ द वाटर। यानी कि हम बात करते हैं, हमने प्लांट फ्लावरिंग प्लांट को डिफरेंट हैबिटेट में ट्रैसिंग में की वजह से डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यानी पानी जितना अवेलेबल है, जहां पर जैसे अवेलेबल है, उसकी बेस पे हमने क्या किया हुआ है, प्लांट को क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिस कितने क्लासेस हैं, कितनी प्लांट्स हैं, तो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ वाटर या बेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल, तो हमारे पास यहाँ पर 4 बेसिक प्लांट्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट द प्लांट मे बी ऑफ 4 टाइप्स, यानी 4 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है आपके पास जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफाइट, एक आपके पास है जिसे हम कहते हैं हेलोफाइट, एक आपके पास है मीजोफाइट, एक आपके पास है जीरोफाइट। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट प्लांट कैसे होते हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट की अगर हम बात करते हैं, तो हाइड्रोफाइट प्लांट प्रेजेंट होते हैं इन वाटर हैबिटेट, यानी ऐसे वाटर जो पानी के अंदर पाए जाए उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट प्लांट। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं हेलोफाइट प्लांट की, तो हेलोफाइट प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पाए जाते हैं सॉल्ट और मर्शी हैबिटेट के अंदर, यानी ऐसे एनवायरमेंट में जहां पर सॉल्ट या फिर ज्यादा है, या फिर वो मर्शी एरिया है, दलदली इलाका है, इस तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मीजोफाइट प्लांट की, तो मीजोफाइट प्लांट इज अ वेल वाटरी एरियाज ऑन टेम्परेट जोन, मतलब ऐसे प्लांट जो नॉर्मल कंडीशन में पाए जाए, मॉडरेट कंडीशन में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मीजोफाइट प्लांट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास जीरोफाइट प्लांट है। जीरोफाइट प्लांट क्या होते हैं, जीरोफाइट प्लांट ऐसे प्लांट जहां जो एक्सट्रीमली ड्राई प्लेसेस पे हो, यानी ऐसी जगह पे हो जहां पर पानी वगैरह मौजूद ना हो, जैसे कि डेजर्ट वगैरह, ठीक है, जैसे सहरा रेगिस्तान वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आज के जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम एक टाइप प्लांट की डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है हाइड्रोफाइट प्लांट्स। हाइड्रोफाइट प्लांट्स ऐसे प्लांट, हमने अभी बात किया, ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर एरिया, वाटर हैबिटेट होते हैं, वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हेडिंग लगी हुई है हाइड्रोफाइट प्लांट। हाइड्रोफाइट प्लांट के बाद अगर बात करते हैं, यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्लांट ग्रो इन अ फ्रेश वाटर हैबिटेट, ठीक है, यानी ऐसे प्लांट जो फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट्स कहते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है दे मे बी पार्शली सबमर्ज लाइक वाटर लिली, कंप्लीटली सबमर्ज लाइक हाइड्रेला, और एम्फीबियस, यानी ऐसे जो डुअल नेचर में हो, अडॉप्ट बोथ एक्वेटिक और टेरिस्ट्रियल लाइफ लाइक टाइफा। तो ये आपके पास कैसे हो सकते हैं, सबमर्ज भी हो सकते हैं, ऐसे हैं कि कम्प्लीटली तौर पर पानी के अंदर होंगे, ऐसा भी है कि कुछ यानी पार्ट आपके पास पानी में होगा, कुछ आपके पास वाटर में होगा, और ऐसे भी हैं जो दोनों नेचर के अंदर पाए जाएंगे, यानी टेरिस्ट्रियल में भी पाए जाएंगे, जमीन के ऊपर भी पाए जाएंगे और पानी के अंदर भी पाए जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दे डू नॉट हैव डिफिकल्टी टू इन ऑब्टेन द वाटर एंड डिवेलप पुअरली रूट्स, मतलब आपके पास ये साफ है कि पानी के अंदर पाए जा रहे हैं, पानी वाले एरियाज में पाए जा रहे हैं, तो इनको इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा पानी को एब्जॉर्ब करने में, तो इसलिए इनके पास इतनी ज्यादा वेल डेवलप रूट्स नहीं है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है देयर स्टेम एंड लीव डू नॉट हैव क्यूटिकल, यानी इनके जो स्टेम्प और लीव्स होते हैं उन पे कोई क्यूटिकल नहीं होती। क्यूटिकल क्या है, इट अ वैक्सीलियर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, और क्या कर रही होती है, एवोपरेशन ऑफ वाटर को रोक रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास वाटर बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्यूटिकल मौजूद नहीं है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है स्टोमेटा आर फाउंड ओनली ऑन अपर सरफेस, ठीक है, इन पार्शली सबमर्ज हाइड्रोफाइट, यानी ऐसे प्लांट्स जिन जो पार्शली सबमर्ज होते हैं, जैसे कि वाटर लिली,
उनके जो लीव्स होते हैं इनके ऊपर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो अपर सरफेस पे जो पाए जाते हैं, जबकि हमने नॉर्मली पढ़ा है कि ज़्यादातर आपके पास जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस ऑफ द प्लांट पे होते हैं या लीफ पे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है अ स्टेम एंड लीव इज पार्शली सबमर्ज हाइड्रोफाइड और वैक्स ट्री प्रोटेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे ऐसे भी लिखा हुआ है कि आपके पास जो हाइड्रोफाइड है जो सब पार्शली क्या है सबमर्ज हैं, उनके जो लीव और स्टेम्प होते हैं उनकी जो स्टेम उनके ऊपर मे भी प्रोटेक्टिव लेयर यानी वैक्सी लेयर मौजूद हो जिसे हम क्या कहते हैं क्यूटिकल क्यूटिकल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है इसका वो ये है कि आपके पास लीव शो हाइड्रोफिलेली। हाइड्रोफिलेली का मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे प्लांट जिनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स पाए जाए, यानी एक ही प्लांट है एक ही ब्रांच है लेकिन कहीं पर लीव इस तरह का है और कहीं पर लीव छोटे छोटे से, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स पाए जाते हैं इन तरह के मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट लीव इन अ सिंगल प्लांट दैट इज नोन एज हाइड्रोफिलेली। हाइड्रोफिलेली अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल लिखी हुई है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर पॉइंट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोफाइड प्लांट की एग्जांपल जो है वो कौन कौन से है, हाइड्रा हाइड्रेला टाइफा और वाटर लिली। ठीक है, हाइड्रेला जो है आपके पास कम्प्लीटली सबमर्ज पानी के अंदर होता है, टाइफा आपके पास एम्फीबियस है और वाटर लिली जो है वो पार्शली सबमर्ज होता है। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे, इसी को कंटिन्यू करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग दो प्लांट को डिस्कस करें, एक आपके पास होगा हेलोफाइट प्लांट और दूसरा होगा आपके पास मेसोफाइट प्लांट। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, मेरे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।